गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे इट्स टाइम ऑफ जीके, टुडे इट्स टाइम, सो टुडे वी विल डू पेज नंबर 39, दैट इज नो योर कंप्यूटर। कंप्यूटर का आप जानते ही हैं, पढ़ते हैं आप लोग पेज नंबर 39, नो योर कंप्यूटर। Electronic device. Everyone uses computers to do different types of work. Even at home, we use a computer to write emails, listen to music and watch videos. Computer से हम लोग अच्छी तरीके से परिचित हैं, जानते हैं हम लोग। आप लोग जब क्लास जब आपकी लेते हैं बरासर या रेतु मैम, तो आपको लैब में भी ले जाते हैं, आप लोग देखते भी हैं वहाँ पे, है ना, पेंटिंग भी सिखाते हैं सर आपको। उसी से रिलेटेड हम लोग आज एक्सरसाइज करेंगे। लुक एट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ आपका ऑप्शन दिए गए हैं टू, उसमें से आपको करेक्ट चूज करके फिलअप करना है। वी सी वीडियो ऑन द, कहाँ देखते हैं हम लोग, कीबोर्ड पे या मॉनिटर पे, तो हम वीडियो देखते हैं मॉनिटर। नंबर वन इज मॉनिटर पे आपको टिक करना, लिखना भी, फिल भी करना, फिल इन द ब्लैंक करना। We use dash to type letters on keyboard, mouse या keyboard, तो keyboard. Typing करने के लिए हम use करते हैं keyboard. The dash is the brain of computer, CPU या speaker, तो brain होता है computer का CPU. CPU. तीनों जो letters हैं आपको capital letters लिखने हैं, central processing unit, that is CPU. फिर आएंगे डैश बटन ऑफ द कीबोर्ड, इरेजेस लेटर्स और नंबर शोन ऑन द मॉनिटर, तो कौन सा बटन इरेज कर सकता है, डिलीट बटन। तो यहाँ आपको लिखना है डिलीट। फिर आते हैं हम लोग फाइव पर, वी कैन प्रिंट एनी पिक्चर विद द हेल्प ऑफ अ डैश कनेक्टेड टू द कंप्यूटर, प्रिंटर और स्पीकर। किससे हम लोग प्रिंट कर सकते कोई भी पिक्चर, प्रिंटर की हेल्प। हम लोग यूज करते हैं म्यूजिक सुनने को बिना किसी को डिस्टर्ब किए। तो स्पीकर पे सुनेंगे तो सबको आवाज आएगी, और हेडफोन लगाकर सुनेंगे तो किसी को डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा हेडफोन, ठीक है। तो ये हमारा कंप्यूटर वाला जो जितना भी हमने कोर्स किया था, वो एग्जाम में आने वाला तो हमने कर लिया है, बाकी भी हम लोग करेंगे, बुक तो पूरी करेंगे, पर ये एग्जाम तक का आपको हो चुका है। कंप्यूटर्स आर लाइक सुपर कैलकुलेटर्स, दे डू द मोस्ट डिफिकल्ट कैलकुलेशन इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। ब्लिंक मतलब पलक जब हम झपकाते हैं, उतने टाइम में ही ये डिफिकल्ट जो है जो सॉल्व कर लेता है, कैलकुलेशन कर लेता है। फिर हम आते हैं पेज नंबर 38 पर, नोटिसेस। We write a notice to convey a warning or to make an important announcement. क्यों लिखते हैं हम लोग नोटिस? मैसेज कन्वे करना होता है या कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हमें करनी होती है, तो हम लोग नोटिस लिखते हैं। लुक एट द इमेजेस गिवन बिलो, टेक द करेक्ट नोटिस बीइंग कन्वेड बाय देम। नो डाइविंग इन द पूल, नो टचिंग द वॉटर। यहाँ जो एक पिक्चर दिख रहा है ना आपको, ये इसका मतलब है नो डाइविंग इन द पूल। ये पेज नंबर 39 है, सॉरी पेज नंबर 38 भी हम लोग कर रहे थे। यहाँ आपका फर्स्ट है नो डाइविंग इन द पूल। बी कॉशन, यहाँ है डांस ऑन द फ्लोर, फ्लोर इज वेट एंड स्लिपरी। तो ये डांस ऑन द फ्लोर नहीं है, ये है, ये बताया गया कि फ्लोर इज वेट एंड स्लिपरी। फ्लोर गीला है, स्लिप हो सकते हैं आप, इसका आपको यहाँ साइन बोर्ड लगाया गया है, फ्लोर इज वेट एंड स्लिपरी पे आपको टिक करना है। साइलेंस प्लीज, पुश द फायर अलार्म। तो ये हमें दिख रही है यहाँ पे फायर, रेड कलर का इंडिकेशन है, तो यहाँ करना है आपको पुश द फायर अलार्म, पुश द फायर अलार्म।
नंबर फोर हाई ये है जेट स्कीइंग और हाई सर्फ वार्निंग, तो ये हाई सर्फ वार्निंग है, हाई सर्फ वार्निंग। सर्फिंग कहते हैं जब लहरों पर सर्फिंग करना होता है, तो यहाँ हाई वेव्स में हाई सर्फ वार्निंग दी गई है यहाँ पे। फिर अब हम आएंगे और टेक एम्बुलेंस गिव वे टू एम्बुलेंस, तो यहाँ होगा गिव वे टू एम्बुलेंस, क्योंकि एम्बुलेंस में कोई ना कोई सिक पर्सन होता है, तो हमेशा हमें एम्बुलेंस अगर आ रही है तो उसको रास्ता देना चाहिए, गिव वे टू एम्बुलेंस, क्योंकि सिक को इंजर्ड को मेडिकल हेल्प की जरूरत होती है। फिर आएंगे हम यूज मी डोंट यूज मी, तो डस्टबिन होता है यूज मी। बच्चों आज पेज नंबर 38 और 39 फिल कर लीजिए, ठीक है। सपोर्ट्स हम आपको भेज ही चुके हैं। गुड मैनर्स आप होमवर्क में करिएगा, इजी है, कुछ भी नहीं है। गुड मैनर्स पूरा दिखाया हुआ है आपको, उसको आपको टिक करना है। व्हेन यू कम बैक फ्रॉम स्कूल एंड एंटर योर रूम व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू डू, मतलब जब आप स्कूल से लौट के आते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? थ्रो योर बैग एंड वाटर बॉटल ऑन द बेड, बेड पे फेंक देना चाहिए। या आई शुड कीप माई बैग इन माई रूम एंड माई लंच बॉक्स एंड वाटर बॉटल इन द किचन, तो ये रीड कर करके आपको सेल्फ टिक करना है। गुड मैनर्स तो आपको आते ही, ठीक है। तो ये आज आपका होमवर्क है, पेज नंबर 37, पेज नंबर 37 कर लेंगे आप रीड करके, ठीक है। और ये योगा बचा है वो भी हम लोग कर लेंगे, सारा ही कर लेंगे हम लोग काम तो, पर जो मैंने दिया है आपको सिलेबस में उतना ही आपका आएगा। क्लॉक आपको आती है, रीडिंग टाइम, बॉडी इन एक्शन भी आपको आता है, सोर्सेज ऑफ वाटर भी पता है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, है ना। चलिए आज इतना ही करेंगे।